lots of pods, you can see empty one, hole in the middle. Yes. Okay? All are eaten by birds. They also like chocolate like us. Without sugar they are eating. That's why they didn't get diabetes and all like us. पता नहीं मेरे को उनके पास डॉक्टर नहीं रहता ना उनका डायबिटीज चेक करने का. हाँ जी. This is healthy. Haldi is the root common spice everywhere you are getting in India. Actually, just I'm explaining. You can see. Haldi means okay. Turmeric. Turmeric. Yeah. So root ready. Plant dries automatically. Okay. Okay. So then we collect the roots, not this one. These are just roots. Yeah. Here you can see. Okay. This is the root. Yes. So it become like a ginger. And once root then ready, we grind it. हाँ एक बार ready हो जाता है तो plant सूख कर dry होने लगता है. That's the indication. उससे साइन पता चलता है कि हल्दी रेडी हो रहा है तो बाद में ग्राउंड को डिग करते हैं पूरा हल्दी निकाल देते हैं उसको सुखा कर पाउडर बनता है. सपोज किसी रीजन से या आपने थोड़ी सी हल्दी है इसलिए नहीं निकाली तो अगले साल ना बारिश के कांटेक्ट में या वाटर कांटेक्ट में आ जाएगा फिर से प्लांट रीग्रो हो जाएगा अंडरग्राउंड जो रूट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. Okay. तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है इसको अगर आप रूट नहीं निकालते. अगर एक बार निकाल दिया रूट तो फिर से सो करना पड़ेगा. देन हल्दी के पत्तों का भी इस्तेमाल होता है स्पेशली खीर वगैरह बनाते उसमें इसका पत्ता डाल सकते हो बहुत ही अच्छा अरोमा देता है. एंड इलायची सपोज आप खीर बना रहे हो और इलायची खत्म हो गई तो इसका पत्ता काम आ सकता है. ओके फ्लेवर देता है बहुत ही अच्छा. देन हल्दी का हमें एंटी प्रॉपर्टीज होता है एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक एंटीक्सीड एंटी एलर्जिक सारे एंटी प्रॉपर्टीज है. फेस पर ग्लो लाना है तो एज अ फेस पैक यूज कर सकते हो 15 मिनट के लिए उससे ज्यादा देर तक नहीं तो पीले पड़ जाओगे बन में बहुत इस पेशेंट की तरह मतलब येलो पड़ जाओगे दिखने में. हाँ There's the lemon grass, वहाँ पर देखो लंबी सी घास होगी बंच में. हाँ जी वो लेमन ग्रास है. अपने वेलकमिंग में चाय पीती हूँ. हाँ जी थोड़ा आगे आ जाओ जाना तो चाय में ना अदरक इलायची लेमन ग्रास डाला हुआ था. सर्दी खांसी माइग्रेन ट्रेवलिंग सिकनेस के लिए चाय अच्छी होती है. कभी कभार क्या होता है ज्यादा पी लेते होते हैंग ओवर हो जाता है चाय पीने से हैंग ओवर उतर जाए. बट लेमन ग्रास तो किचन गार्डन में भी बहुत कॉमन है. हाँ हाँ ये कहीं पर भी होता लेमन ग्रास नॉट काम सेंसिटिव. ओके दिस आर द रूट्स ऑफ द बिटल नट. पाम गॉट रूट्स आउटसाइड नॉट इनसाइड. यहाँ पर देखो दिस इज इलायची इलायची. ओके इलायची ऊपर नहीं नीचे आती है रूट्स में. रूट्स के अंडर द ग्राउंड है थोड़ा ऊपर. सपोज ये रूट है रूट से थोड़ा शूट पर आएंगे शूट आएंगे यहाँ पर. ओके बॉटम में आते हैं. Okay. और 30 से 40 ग्राम इलायची एक प्लांट से तो हर प्लांट काउंट होता है. हा? तो हर प्लांट से 30 से 40 ग्राम. हाँ okay. तो ये पूरा हो जाता है साल का एक शूट से 30 से 40 ग्राम तक इलायची. ओके तो एक 150-250 ग्राम हो जाता है साल का. ये दुनिया का तीसरा महंगा मसाला है. इलायची को कंपेयर करते हो बाकी के मसालों के साथ और टेस्ट में मीठी होते तो इसे मसालों की रानी कहा जाता है. राजा के इलायची होती है ना ब्लैक एंड ग्रीन. या हम ब्लैक नहीं ग्रो करते हैं ओके ओनली ग्रीन वी आर ग्रोइंग. और 30 से 40 बहुत कम मिलते हैं और एंटी डिप्रेशन होती है. इलायची नहीं है अभी फिलहाल. ओके इसका सीजन नहीं है अभी. और सारे मसालों के अंदर इलायची को रानी कहते हैं क्योंकि ये मीठी होती है टेस्ट में. राजा काली मिर्च को कहा जाता है. राजा तीखा होता है रानी बहुत मीठी होती है ना. नहीं होती होती तो है. ये ग्रेवर की ट्रिब्यूटरी है या आपने से आर्टिफिशियली किया पानी डाइवर्टेड है. ओके आपने डाइवर्ट किया. ओके ऊपर रिवर है. ओके वो सोर्स है तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन है यहाँ पर देखो. ओके ड्रिप या लगाए हुए डेस्टिनी. मैंने इसी साल पढ़ा साइंस में. अच्छा आप कितने साल में पढ़ते हो. मैं 8th में हूँ. 8th में इंटरेस्टिंग लगता है साइंस सब्जेक्ट. हाँ अच्छा है. साइंस में करियर कर सकते हो. नहीं इतना भी अच्छा नहीं है. हाँ वो सुपारी है. तो आपका इंटरेस्ट किस में है. मोर ऑफ बिजनेस स्टडीज. यहाँ पर ये जो है ये काली मिर्च की बेल है. यू कैन सी द कॉर्न सोड है. प्लांट कुछ हो रहा है. हाँ ये एक्चुअली सुपारी का पान है. सुपारी का उसके ऊपर बेल चढ़ाई काली मिर्च वाली. सो इट्स वाइन क्रीपर क्लाइंबर एंड थिंक टेंपल. तो ग्रीन रहेगा ग्रीन के बाद रेड. हाँ जी रेड को हार्वेस्ट करके ड्राई कर देते हैं. ड्राई हुआ तो ब्लैक कॉर्न. रेड को बॉइल किया तो व्हाइट हो जाएगा.
दो कॉर्न्स लेने हैं व्हाइट वाला, व्हाइट पेपर का पाउडर बनाकर दूध के साथ डालकर पीना है। इससे क्या होगा, आई साइड विजन अच्छा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है। दो काली मिर्च का दाना पाउडर बनाने कूट देना है और चाय में, ब्लैक टी में, नो शुगर नो मिल्क, जस्ट टी पाउडर पानी में उबाल देना और काली मिर्च का पाउडर उसमें डालना है, स्टर कर कर पीना है। इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना है। चाय पीने के बाद 30 मिनट के अंदर आपके पेट में ना सुनामी की तरह इफेक्ट होगा। सो जाते वक्त परेशान होकर जाओगे, लौटोगे तो खुश होकर रिलैक्स लाइन कलर से, लेकिन घर पर रहे तो मतलब संडे ग्रीन ट्राई करना, नहीं तो टाइम नहीं पहुँचा लेटे रहेंगे। मतलब मोर ऑफ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ठीक करता है, बैलेंस कर देता है। हाँ, बैलेंस कर देता है। इससे तो वो वेनिला है, वेनिला ऑर्किड होता है। ओके, तो प्लांट करने पर तीन साल के बाद फूल आएगा इसे। तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा जाता है और ये दुनिया का दूसरा महंगा मसाला है। केसर सबसे महंगा, अच्छा केसर या सैफ्रन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, लेकिन हम गोवा में ग्रो नहीं कर पाते, क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करता उसके। वो कश्मीर में होता है। हाँ, कश्मीर में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का जरूरत होता है उसके लिए। तो 3 साल के बाद इसे फूल आएगा, तो फूल को हैंड पोलिनेट करते हैं, पोलिनेशन के बाद इसे ग्रीन पॉड आती है, ग्रीन येलो कलर में बदलेगा। तो येलो को हार्वेस्ट करके ड्राई कर देते हैं, ड्राई हो गया तो ब्राउन कलर में बदल जाएगा। प्रोसेस लंबा होता है, इसको उड़न मलमल के कपड़े में पहले लपेट कर बाद में उड़न बॉक्स में सुखाया जाता है, उसके बाद हमको ब्राउन पॉड्स मिलते हैं। इस तरह से सुखाए पूरे पॉड 35,000 इकट्ठा करते हो ना, तो उसमें से 1 लीटर तक तेल मिल पाता है। 1 लीटर में? 1 लीटर ओनली, उससे ज्यादा नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। ये मूड एलिवेटर है एक्चुअली, मेडिसिन की तरह खाती हूँ, लेकिन इसका जो तेल निकलता है ना, ये 50% मेडिसिन में यूज होता है, 20% परफ्यूमरी में, और 30% कोको कोला और पेप्सी में यूज किया जाता है। क्योंकि कोको कोला और पेप्सी में इनिशियली फॉस्फर पाया जाता है, फॉस्फर की वजह से उसे गंदी बैड स्मेल आती है, तो बैड स्मेल को हटाने के लिए तेल उसमें डाला जाता है। प्योर वनीला, हाँ, तो प्योर वनीलन खरीदते हो तो $11,500 इन इंडियन करेंसी, इट विल कॉस्ट अराउंड 7 or 8 lakhs, इतना महंगा बिकता है। खरीदिए मत, मेरे पास रेसिपी है, मेरा रेसिपी ट्राई कर सकते हो। पॉड लेना, स्लिट कर देना, चीर देना, शुगर में डिप कर रख देना 10 दिनों तक, रिमूव कर देना पॉड को, खुशबू लगेगी वेनिला की, वो शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं चाय, कॉफी, पेस्ट्री, आइसक्रीम, केक्स वगैरह। सिंगल पॉड ट्वाइस यू कैन यूज इट, वंस रैप इट इन द बटर पेपर, कीप इट इन द कवर। तो दो बार, मतलब सेकंड टाइम यूज करोगे तो काट कर यूज कर सकते हो उस पॉड को। तो शुगर आप मतलब 1 किलो शुगर कितना दिन तक चलता है वो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पॉड्स डालकर शुगर बना सकते हो। यूनिट है कैशियो फेनिल बनाते हम यहाँ पर, अभी प्रोसेस चालू नहीं है तो इसलिए बंद है एरिया, तो इससे गंदा होकर पड़ा है। लेकिन नॉर्मली मार्च अप्रैल में सीजन होता है, तब पूरा एरिया क्लीन कर देते हैं, वहाँ पर फ्रूटों को क्रश करते हैं। ये डिस्प्ले कैशियो फ्रूट यहाँ पर क्रश करते हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी द मोल्ड, पहले ग्रीन के बाद ऑरेंज, पिंक, येलो, मल्टी कलर के फ्रूट्स मिलते हैं हमें। नट को पहले ट्विस्ट कर करना, धूप में सुखा कर रोस्टिंग कर कर छिलका रिमूव कर देते हैं, अंदर से काजू के कर्नल्स निकलते हैं जो हमें ड्राई फ्रूट्स में मिला करते हैं। फ्रूटों को इकट्ठा कर कर क्रशर में डालते हैं, क्रश करने पर जूस निकलेगा, जूस को सड़ाते हैं 4 दिनों तक, सड़े हुए जूस कलेक्ट कर कर कॉपर बेसन में डालकर ना 2 बार डिस्टिल करते हैं। तो पहले यहाँ से बॉइलिंग होगी, वेफर पास होगा, पास से पानी डालकर मेल्ट करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप कंडेंसेशन। पहला डिस्टिल हुर्रा, सेकेंड फेनी होता है, सुराख में 10-12% अल्कोहल, ज्यादा नहीं है। सेकेंड डिस्टिलेशन के बाद फेनी बनती है तो उसमें होता है 42.8% अल्कोहल। 30 ml में फेनी पीते हो दवाई की तरह काम करते हैं, सर्दी खांसी के लिए अच्छी टेबलेट प्यूरीफाई वगैरह करते हैं। ज्यादा पी लिया तो रॉकेट फ्यूल डांस कर लो विदाउट कोरियोग्राफी। ट्राई करने तो बोल देना, मैं 30 ml दे दूंगी आपको। ज्यादा पीना है तो खरीद सकते चाहिए वैसे भी, मैं आपको नहीं देने वाली।
खत्म हो रहा है। मेरी बातें अच्छी तरह से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक छोटा ट्रेडिशन है यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पानी डालूंगी फॉर रिलैक्सेशन पर्पस, उसके बाद लंच ले सकते हो सेल्फ सर्विस। थैंक यू वंस अगेन, आई होप यू एंजॉय द ट्रिप। थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टूर में तो मजा ही आ गया, एंड अभी हम करने वाले लंच, सो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी शॉप है जहाँ से आप मसाला और सब कुछ बाय कर सकते हो जिन्होंने बताया है, एंड मैं एक बार आपको लंच का भी टूर दे देता हूँ। इस टू पैकेज में लंच भी इंक्लूडेड होता है। सो स्पाइस गार्डन में तो मजा ही आ गया, एंड अभी हम अपनी गाड़ी से वापस अपने होटल जा रहे हैं, एंड देन शाम को हम जाएंगे कैंडोलिम बीच। सो आज के भी दिन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड लेट्स गो। बीट बजे भाई की तो भाई मेरे झूमते रे चल, मेरे झाई की दवाई भाई ढूंढते हुए चल।